डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, डीएक्स अपॉन डीटी और ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाती है। इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एच टू प्लस आई टू इज रिवर्सिबल टू गिव्स टू एच आई। देखो ये रेट लॉ क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2002 में जेईई मेंस में। अच्छा लिखो क्वेश्चन, इसके लिए भी पूछा गया था, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। देखो फॉर इज एग्जांपल, वन बाई टू ए गिव्स टू बी, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सब ऑफ ए इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। देखो जल्दी से क्या होगा, फाइनल लिखना रेट ऑफ अपीयरेंस, ये आया था आपका जेई 2008 में। चलो पहले ये करो फिर करेगा लास्ट स्लाइड है क्या, यही तो दोनों है। लास्ट स्लाइड दीजिएगा। हाँ यही प्रैक्टिस। क्या हुआ इसके लिए बोलो, माइनस बोलो पी एच टू हुआ है। अपॉन डीएच टू कंसंट्रेशन और अपॉन मेरिटी डी टी प्लस इक्वल टू माइनस डी आई टू अपॉन टी टी इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 एच आई अपॉन डी टी। हाँ 1/2 टी एच आई अपॉन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना, डायरेक्ट कुछ नहीं पूछा, बस रेट ऑफ एक्सी इसमें बताओ इसमें क्या आएगा, रेट क्या आएगा। देखो इसमें रेट क्या लिखोगे, यदि मैं डायरेक्ट रेट लिखना चाहूँ यहाँ पे तो रेट क्या लिखोगे, बोलिए। वन अभी बाई टू है ये है। 1/4 dv अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पे क्या, वेरी गुड, चलिए तो यहाँ पे क्या है, माइनस डीए डी ए अपॉन अपॉन डी टी इक्वल इक्वल टू टू 1/4 ऊपर जाएगा टू, यहाँ पे 1/4 वेरी गुड, डीबी डी बी अपॉन डी टी। अपॉन डी टी वेरी गुड। एक क्वेश्चन और करना इस टाइप से, क्वेश्चन और अच्छा सही नहीं आया क्वेश्चन, मैं इसलिए करा रहा हूँ पीडीएफ से क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके यहाँ पे, क्यों लिए आते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो बढ़िया सा, ठीक है आपको मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ इसके लिए। ये जेई आया था 2000, सॉरी ये आया था 2012 में। क्वेश्चन है कंसीडर कंसीडर द रिएक्शन रिएक्शन
4 times NO2 and given that then ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, आप लोग सॉल्व करो. सभी क्या रहा है? K dash is equal to 2K. Very good, सही आंसर. और लोग करो. हो गया सभी से? मैं करके दिखाऊं? मान लो 2 टाइम्स एन टू फोर एन फोर एन टू मतलब क्या समझना सुधीर, रेट क्या लिखोगे इसको बोलो. माइनस वन बाई टू डी एन टू ओ फोर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन बाई फोर डी एन ओ टू अपॉन डी टी. अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल. अच्छा एक बात आना, यहाँ पे इसका क्या वैल्यू दिया गया? के दिया हुआ है तो माइनस वन बाई टू के इक्वल टू कितना दिया हुआ है? वन बाई फोर के डैश. ये क्या हो गया? देखो डबल हो गया ना, जस्ट आप देख लो के डैश इक्वल टू क्या आ रहा है? टू के. बोलो टू के. यहाँ पे साइंस कोई मतलब नहीं रहेगा माइनस का. नहीं नहीं साइंस से कोई मतलब नहीं क्योंकि माइनस की वैल्यू दी गई ना, माइनस ही पूरा है ना ये. सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना नहीं चाहिए, पूरी वैल्यू है माइनस डी एन टू वाई और फोर वाई डी टी. चलिए क्वेश्चन और लिखो बढ़िया सा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाए. टू एन टू ओ फाइव ये बनेगा 4 NO2 plus okay. आपको दिया व्हाट इज द, पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिस्कंपोजिशन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन of N2O5 formation आप लोगों को
सर टू रेशो वन होगा क्या? करें हम सॉल्व बोली क्या हुआ जैसे बताओ यहाँ पे क्या है 2N2O5 2:1 हो रहा है क्या हो रहा 2:1 2:1 नहीं नहीं देख लेते हैं अभी चेक नहीं सर 1:2 बनने से क्यों आ रहा है अच्छा रेट क्या आएगा बोलो रेट क्या आएगा -1/2 -1/2 BN2O5 ये सब जेई मेंस में आए हुए हैं अपॉन डीटी और ये हो रहा है तुम्हारा सिंपल इसके बराबर हो जाए इक्वल टू वन बाय फोर डी एन ओ टू अपॉन डी टी वन बाय फोर डी एन ओ टू अपॉन ओ टू अपॉन डी टी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या लिखोगे बोलो किसके स्केल बीच में बताना है N2O5 और NO2 के बीच में तो यहाँ पे N2O5 2/2 N2O5 अपॉन DT NO2 क्या है ये 1/4 इसी के बीच में बताना 1/4 एक मिनट रुकना बच्चा एक मिनट मेरा कॉल आ रहा है इम्पोर्टेंट अब देखो तो यहाँ पे लिखना 1/4 क्या हो जाएगा इक्वल टू में ये हो जाएगा डी NO2 / डी टी रेशियो रेशियो है ये तो मैं तो सही था ठीक है अब क्या होगा यहाँ पे तो माइनस टाइम टी अपॉन डी टी अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे ये ऊपर टू यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/4
वन रेशियो टू क्लियर यस सर ज्यादा कर लेते हैं जितने की जाए मुझे कोई चेंज का चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो हेडिंग डालो अपन आगे बढ़ते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन जैसे मान लो ए से प्रोडक्ट बन रहा है टी इक्वल टू जीरो पे कंसेंट्रेशन क्या है सी नॉट मान लेता हूँ ठीक है एट टाइम टी इक्वल टू टी पे क्या हो जाएगा सी कंसेंट्रेशन ठीक है तो रेट क्या लिखोगे देखो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए की पावर जीरो मतलब कितना आ गया के आ गया ये बोलो हाँ है ना यस सर अब एक बात आना है यहाँ पे सिंपल यदि मैं लिखूं तो के डी टी हो गया अब देखो अब मान लो डी ए अपॉन डी टी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे के डी टी हो जाएगा अब हम इसको ये करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा सी नॉट यदि मान लो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे कंसेंट्रेशन सी नॉट था एट टाइम टी पे कितना होगा कंसेंट्रेशन सी होगा तो ये बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सिंपल आप यदि लगाएंगे तो क्या आएगा क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ए आएगा सी नॉट से सी यहाँ पे क्या हो जाएगा के टी ये माइनस टाइम से अब देखो अब ध्यान समझना अब क्या होगा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा सी नॉट माइनस सी इक्वल टू क्या हो गया के टी ये हो गया तो सी नॉट इक्वल टू क्या आएगा बोलो निकल के यहाँ से यदि आप यहाँ पे मतलब सिंपल आप ये निकालना चाहें सी नॉट इक्वल टू क्या आएगा बोलो सी प्लस के टी लिख सकते हो या आपको ग्राफ खींचना सी इक्वल टू यदि आप इसको ऐसे भी लिख रहे हो सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सी नॉट के टी लिख सकते हैं अच्छा ये कैसे ग्राफ आया पाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टी सी नॉट ये हो गया इंटरसेप्ट स्लोप क्या हो जाएगा इसका बोलो माइनस के ये बात समझ में आई यहाँ तक बोलो सभी को बताइए यस सर अच्छा अब एक बात आना ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया अब मुझे एक बात आना हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे टी की जगह टी हाफ रख दो सी नॉट बाई टू ठीक है तो टी हाफ क्या आ जाएगा बोलो आप वैल्यू पुटिंग डालो जल्दी निकालो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी बोलिए
सी नॉट अपॉन टू के. वेरी गुड. सी इक्वल टू क्या, टी हाफ क्या आ जाएगा, सी नॉट अपॉन टू के. अच्छा टी यदि मान लो टी इक्वल टू में टी फुल पुट कर दूं फुल टाइम के लिए तो सी क्या आएगा, सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा ही नहीं ना. यदि मान लो ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ये टी इक्वल टू जीरो पे सी नॉट था, तो एट टाइम टी पे यदि मान लो मैं फुल मान रहा हूँ तो ये तो कंसंट्रेशन खत्म हो गया, ये क्या बचेगा, तो सी नॉट क्या बचेगा बोलो. सी नॉट जो आएगा वो सिंपल क्या आ जाएगा, के टी फुल, बोलो आए ना. तो टी फुल निकालने का भी क्या हो जाएगा, फुल टाइम निकालने में फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल आपका सी नॉट बाई के. मतलब आप ऐसा भी कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, टू इंटू टी हाफ, बोलो आए ना. यस सर. अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो आपको ग्राफ खींचना है तो ग्राफ कैसे खींचोगे आप हाफ लाइफ वर्सेस सी नॉट में. सी नॉट क्या हो जाएगा, ये स्लो वन बाई टू के आ गया. क्लियर ये बात, बोलो आए ना. सर लास्ट स्लाइड करना प्लीज एक बार. चलो ध्यान समझना यहाँ पे. अच्छा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमने टी हाफ क्या निकाला, बोलो सर. आपने सी और सी नॉट को क्या एज्यूम किया है, क्या किया मैंने बेटा, सी और सी नॉट को, सी नॉट को मैंने माना इनिशियल और सी को माना है एट टाइम टी पे. दिखाते ना, देखो बेटा, ठीक है बेटा, अमन्ना. यस सर. अब एक बात आना है यहाँ पे, टी हाफ कितना आया बोलो, सी नॉट बाई टू के. तो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन के. अच्छा एक बात आना, सिंपल सी बात आना, यदि मान लो कंसंट्रेशन सी नॉट था इनिशियली, तो सी नॉट बाई, यदि मान लो कंसंट्रेशन सी नॉट था, सी नॉट बाई टू होने में उसको टी टाइम लगा, तो सी नॉट बाई फोर होने में कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, टी बाई टू लगेगा ना, बोलो हाफ हो जाएगा ना. देखो सी नॉट बाई, अच्छा आधा होने, सी नॉट बाई फोर से सी नॉट बाई एट होने में कितना टाइम लगेगा, टी बाई फोर, टी बाई फोर. और सी नॉट बाई 16 होने में कितना टाइम लगेगा, टी बाई एट, टी बाई एट. वेरी गुड. समझ में आया ये बात, ही नहीं आया पहले बताओ, ये बात समझ में आई हम लोगों को, बोलो आया ना. यस सर. मैं ये बोल रहा हूँ बेटा कि आपका टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट है, बल्कि सी नॉट बाई टू है ना. अब इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट से सी नॉट बाई टू में टी टाइम लग रहा है, सी नॉट बाई टू से सी नॉट बाई फोर में कितना लगा, टी बाई टू, सी नॉट बाई फोर से सी नॉट बाई एट, टी बाई फोर, सी नॉट बाई एट से सी नॉट बाई 16, टी बाई, कितना हो जाएगा, आधा ही तो लगता जा रहा है. तो आपका जो टी हाफ है कितना, सी नॉट बाई टू के है ना, बोलो ये बात समझ में आ गई सिंपल. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजें और हम समझते हैं यहाँ पे. आपको मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया जाए, कौन सा दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ सिंपल आज थ्योरी थ्योरी करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, ठीक है. हम पूरा आरएनएस तक करेंगे, फिर हम पैरेलल और दो सब बाद में कर लेंगे, मेन मेन थ्योरी करा दे रहा हूँ, फिर अपन क्वेश्चंस कर लेंगे. तो ए से क्या बन रहा है आपका, प्रोडक्ट बन रहा है, बोलो आया ना. अच्छा ये बात आना, माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, के बन, बोलो आया ना, यही होगा रेट इक्वल टू. तो अब मुझे एक बात आना, सिंपल सिंपल सी बात, माइनस डी ए अपॉन डी टी कर दिया. अब आप क्या करो,
जो अभी तो ये इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, जो लोग मैथ्स के थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़े होंगे उन्हें पता ही अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या करोगे आप, ए के नीचे माइनस टाइम डी ए वाई ए इक्वल टू क्या हो गया के डी टी, इंटीग्रेट कर दे। टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा कंसंट्रेशन, बोलो सी नॉट क्या होगा, सी नॉट एट टाइम टी पे कितना होगा सी ओ। अच्छा एक बात है ना, लॉ डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, लॉग एक्स ही होगा, एल एन एक्स है ना। चलिए ध्यान समझना यहाँ पे, मान लो अब आप करते हो तो ये कितना हो गया लॉग ऑफ ए हो गया सी नॉट सी, ये होगा ये माइनस टाइम्स यहाँ लगा देना जरूर, इक्वल टू क्या बचेगा के टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स लॉग, ये क्या हो जाएगा सी माइनस टी नॉट, ठीक है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी। तो यहाँ पे आप एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी इक्वल टू के टी। तो लॉग सी नॉट अपॉन सी इक्वल टू के टी, यही हो गया। अब एक बात आना यहाँ पे सिंपल, अब ये अभी कितने बेस एन में, बेस ई में है या बेस टेन में, बेस ई में है, तो बेस टेन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप बोलो, 2.303 लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी इक्वल टू के टी, ठीक है बोलो, ये बात समझ में आई सभी को, जल्दी बोलो यहां तक बात समझ में आई। अच्छा अभी मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, इसी इक्वेशन को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा, c इक्वल टू c e की पावर क्या हो जाएगा kt, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी चीजें और जानते हैं। अच्छा यदि मान लो मैं यहीं पे मैं 2.303 लिखा, मैं इसको ऐसे लिख दूं इसी वाली इक्वेशन को, ध्यान समझना, इसको लिख देता हूं मैं log of t naught by c kt upon 2.303 क्वेश्चन एक भी नहीं जवाब को 2.303। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं log a upon b क्या होता है बोलो, क्या होता है log a minus log b, kt upon 2.303। हम इसको और क्या लिख सकते हैं ध्यान समझना, log c को क्या लिख सकते हैं बोलो, यदि मैं log c को लिखना चाहूंगा तो log c इक्वल टू मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ऑफ सी नॉट। अच्छा अभी क्या हो गया इक्वेशन बोलो, बाई इक्वल टू कौन सा ग्राफ आ गया, माइनस एम एक्स प्लस सी का हो गया, तो देखो टी में क्या ग्राफ आएगा तो क्या हो जाएगा सी नॉट, स्लोप क्या होगा माइनस के अपॉन 2.303, वेरी गुड माइनस के अपॉन 2.303।
अच्छा जी मैं और ग्राफ खींचना चाहूंगा, बेस सी में भी खींचूंगा तब भी यही आएगा, बेस 10 में भी आएगा, बेस सी में भी यही आएगा। अच्छा हाफ लाइफ इसकी निकाल के दिखाओ, तुम लोग खुद देखो। बोलिए अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा आता है जानते हो? कि मैं इसका ग्राफ खींचूंगा तो कैसा आएगा, ये आएगा रिमेश का भी ग्राफ खींचता हूं तो इस तरीके से ग्राफ खींच देना। चलिए यहां पे तो ऑफ लाइट क्या होगा, सर 0.69/k। वेरी गुड। जो आप यहां पे कुछ मत कहो, कभी भी टी हाफ मुझे टी की जगह क्या पुटिंग डालना है, टी हाफ, और सी की जगह क्या पुटिंग डालनी है, पी नॉट वाई टू। टी हाफ क्या होगा 2.303 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, लॉग टू हो जाएगा, टू। वेरी गुड। अपॉन ए तो टी हाफ क्या हो जाएगा 0.693/k। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार जेई में, डायरेक्ट हाफ लाइफ पूछ ली थी सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या होती है। अच्छा यहाँ पे एक बात आना, जो टी हाफ है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या डिपेंड कर रही है सिंपल कंसंट्रेशन पे, बोलो क्या डिपेंड कर रही है? नो सर। जब ये डिपेंड नहीं कर रही है तो सिंपल आप क्या लिख सकते हो, बोलो। आप यदि देखें तो हम यदि मैं टी हाफ यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जैसे हमने वहां पे जीरो ऑर्डर के लिए लिखा था, मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखता हूँ C0 से C0/2 तो क्या बनेगा, कितने मान 10 सेकेंड लगा, T0/4 तो क्या होगा, बोलो कितना टाइम लगेगा, 10 ही लगेगा, कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे यहाँ भी 10 सेकंड ही लगेगा, आधा होने में यहाँ भी 10 सेकंड ही लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं कर रही है। बोली यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी देख लेते हैं, मैं डेराइव करा देता हूँ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आप लोग खुद करो सेकेंड ऑर्डर, करो आई धारी आप क्या आ रहा है, आप लोग खुद बताओ, करो एक बार ट्राई करो, करो जल्दी से, सर एक बार लास्ट स्लाइड कीजिएगा। इससे भी लास्ट सर, आप
लेकिन जो कुछ बोल रहा है एक और बड़ी मुझे बता दीजिए कौन रहा है टाइम से नहीं है हो गया सर 1/c -1/c नॉट इज इक्वल टू केटी वेरी गुड प्रियंका प्रियंका धड़ाधड़ आंसर दे रही है देख रहे हो क्या खाया था प्रियंका चावल खा लिए थे क्या सुबह दलिया दलिया तेज से दिमाग ज्यादा चल रहा है दिमाग जी से चल रहा जाता है तो ए से t इक्वल टू जीरो पे c नॉट वही है सिंपल अपन सॉल्व करते हैं ये माइनस डी ए अपॉन टी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर ठीक है सी नॉट सी माइनस टाइम्स डी ए अपॉन एक काम करते हैं ऐसे मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ तुम लोग कहोगे सर मैं डायरेक्ट लिख लिया यदि मान लो माइनस टाइम्स डी ए अपॉन ए कर देते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू के डी टी ये देखो आप इंटीग्रेशन कर दो एट टी इक्वल टू जीरो पे सी नॉट एट टाइम टी पे कंसिडरेशन क्या हो गया सी अच्छा वन वाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हुआ ऊपर ले जाओ x की पावर माइनस टू लेके जाओगे ऊपर और जब x की पावर माइनस टू ऊपर लेके जाओगे तो क्या करोगे जो आप इंटीग्रेशन करते हो x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हो वो क्या करते हो वो करते हो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन ठीक है अब देखो तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो जल्दी बोलो कितना आएगा बोलो यार x x की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड्ड बाय माइनस टू प्लस वन अच्छा नीचे कितना आ रहा वन बाई वन बाई x हो जाएगा मतलब a वन अपॉन a माइनस में हो रहा है प्लस में माइनस आएगा तो वो बाहर जाके जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल c नॉट और c तो अपर लिमिट ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया वन बाई अपर लिमिट लोअर लिमिट के टी तो वन बाई सी क्या हो जाएगा बोलो के टी ठीक है तो देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे ग्राफ क्या होगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा सी क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरसेप्ट तो ये जो ग्राफ आएगा वो ये ग्राफ आएगा ठीक है तो ये बनेगा सिंपल आपका वन बाई सी नोट क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट स्लोप कितना हो जाएगा इसका जल्दी बोलो के के और जो ग्राफ खींचा होगा इसके वन बाई सी और टी के टर्म्स में ग्राफ अच्छा इसका टी हाफ निकालो जल्दी निकालो हरी अब हाफ लाइफ निकालो बोलिए बोलिए वन अपॉन के सी नॉट वन अपॉन के सी नॉट वेरी गुड तो टी हाफ क्या हो जाएगा यहाँ पे
आप टी रख, टी की जगह टी हाफ पुटिंग डाल दी और सी की जगह क्या पुटिंग डालोगे, तो जो इक्वेशन होगी टू बाई हाफ पुटिंग डालो, मैं डायरेक्ट डालू सी नॉट माइनस वन बाई सी नॉट इक्वल टू के टी हाफ हो गया, ऊपर वाली इक्वेशन में पुटिंग डाली मैंने सिंपल, तो कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे बचा सिंपल आपका वन बाई सी नॉट, तो ये क्या हो गया वन बाई सी नॉट, मतलब सिंपल आ गया आपका टी हाफ इक्वल टू आ गया वन बाई सी नॉट के, पूरा मैथमेटिकल चैप्टर है कुछ नहीं है सर, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है। तो हम ग्राफ खींचे तो क्या खींचेगा, अगर आप देखो सिंपल, तो टी हाफ ये है और ये क्या है कंसंट्रेशन, वन बाई सी नॉट में ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्लोप कहां से ओरिजिन से पास होगा और स्लोप इसका क्या हो जाएगा वन बाई के, वेरी गुड। अब एक चीज फिर से यहाँ पे चलो फिर से करते हैं, अच्छा यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है ये टी हाफ, मतलब यदि आप देखेंगे तो यदि हाफ कंसंट्रेशन होगा तो टी हाफ क्या हो जाएगा, डबल लगेगा, मतलब आप सिंपल यदि मान लो चलो एक कोई ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं इस तरीके से, ये मैं क्यों करा रहा हूँ पता है आपको, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको समझ में आएगा आपको कब अप्लाई करना सी नॉट, सी नॉट से सी नॉट बाई टू में क्या होगा टीम टाइम टी लग रहा है, सी नॉट बाई टू से सी नॉट बाई फोर टू टी, इसमें कितना लगेगा फोर टी एट्टी, बोलिए चलो। अच्छा एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ध्यान समझना आपको खुद क्वेश्चन करके दिखाना है, तो करना जीरो ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपको बताना है, मान लो 10 सेकेंड लगा आपका सिंपल 16 से 8 होने में, तो 4 होने में कितना लगेगा, 2 होने में कितना टाइम लगेगा और 1 होने में कितना टाइम लगेगा बताओ, 10/2, 10/4, 10/6, वेरी गुड, मतलब 10/2 मतलब कितना हो गया 5, 10/4 मतलब 2.5, फिर 1.25, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मान लो हम फर्स्ट ऑर्डर ले ले रिएक्शन, मैं सेम केस ले रहा हूँ, सोलह आठ चार दो एक 10 सेकेंड लग रहा है बताओ, 10 सेकेंड लगेंगे, सेकेंड ऑर्डर दे दिया सेम चीज है, सेम है क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर दे दिया, बताओ कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन है 16, 8, 4, 2, 1, 20, 40, 80, 10, 20, 40, 80, तो यहां तक क्लियर हो गया। अंजलि आजकल बोल नहीं रही, शांत है, क्या हो गया अंजलि को, क्यों अंजलि क्या हो गया, कुछ नहीं सर, तो इतना शांत शांत कैसे तुम, रिश्ता पक्का, किसका रिश्ता पक्का कर रहा है फैजल, ये रिश्ता ही पक्का करता है तो सभी का है? कभी किसी का रिश्ता पक्का करेगा, कभी किसी का रिश्ता पक्का करेगा, क्या चाह रहा है फैजल तुम है, क्यों फैजल वा क्या चाह रहे हो, तुलसी नहीं आई आज, क्या आई है बोलो, क्या चाह रहे हो फैजल, किसका रिश्ता पक्का करवा रहे हो, बता दो आप मुझे मैसेज में, सर आपका साथी सर, अरे ये ना बिल्कुल मतलब पीछे ही पड़ा हुआ है, इसको बर्तन धोने की ज्यादा जल्दी पड़ी है,
लास्ट स्लाइड करना एक बार इसके बर्तन धुलने की ज्यादा पड़ी है तो बर्तन धुलवा दिए जाए। अच्छा चलो तुम nth ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करो, nth ऑर्डर के लिए इक्वेशन कैलकुलेट करो, आप nth ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करो। हरी आप चलो निकालो सर, पावर में आ रहा है। कितना आ रहा बोलो? C की पावर माइनस एन प्लस वन माइनस C नॉट की पावर माइनस एन प्लस वन। प्लस आएगा कि माइनस आएगा सर? माइनस आएगा। ये सर अच्छे बताओ, A से प्रोडक्ट है, T इक्वल टू जीरो पे C नॉट है, तो रेट क्या होगा? A की पावर n, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी ए की पावर n। तो ये क्या हो जाए? डी ए अपॉन ए की पावर एन, ये कितना हो गया? के डी टी, के इक्वल टू जीरो पे सी नॉट, टी पे सी कंसंट्रेशन। अब देखो यदि हम बात करें, तो यहाँ पे एक ही पावर एन है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? एक ही पावर माइनस एन बनेगा, तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही होता है बोलो? यस सर। तो माइनस ये ऊपर जाएगा तो एक ही पावर क्या बनेगा? मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस एन प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है, एक मिनट। यदि मैं इसको x मानता हूँ तो ये ऊपर जाएगा तो ये बचेगा x की पावर माइनस एन, तो जब x की पावर माइनस एन बचेगा तो क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर माइनस एन प्लस वन और माइनस एन प्लस वन, यही बच रहा है। यस सर। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ भी जो बच रहा है वो क्या बच रहा है? वो बच रहा है ये तुम्हारा सिंपल एक ही पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन, ये बचेगा तुम्हारा कितना बच रहा है? माइनस एन प्लस वन, ठीक है ना? सी नॉट सी इक्वल टू KT। आप इसको जब सॉल्व करेंगे अपर लिमिट माइनस लिमिट माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या बचेगा? 1/c की पावर सर माइनस भी तो आएगा वहां पे,
किस पे? अच्छा ये माइनस है, 1 सी की पावर एन माइनस 1 माइनस 1 सी नॉट की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 के टी। ठीक है, जब आप इसमें ग्राफ खींचते हैं तो ये भी कैसा आता है? वन वाई सी की पावर एन माइनस 1 में, और सिंपल आप ग्राफ खींचेंगे टाइम में तो क्या आएगा? ये ग्राफ आएगा कुछ, इसमें इंटरसेप्ट क्या होगा? 1 सी की नॉट की पावर एन माइनस 1 यही आएगा। स्लोप कितना होगा इसका बोलो? एन माइनस 1 इंटू के होगा स्लोप, बताओ यही होगा? यस सर, ये हो गया सिंपल। चलिए एक क्वेश्चन ना मैं देखता हूँ, क्वेश्चन है क्या इसके बेसिस पे? थोड़ी देर रुक जाएगा, ये चक्कर है। जी ऑर्डर के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपके एक बार। सर ये जो सी की पावर है ये 1 माइनस एन नहीं होंगी? कैसे 1 माइनस एन होंगी? इसको तो बस नीचे। अच्छा हाँ ठीक है, हो गया। आज बहुत गुस्से में है प्रियंका, बच के रहना, सब लोग बता रहे हैं। मैं कहाँ गुस्से में सर, आज एक्स्ट्रा एनर्जी है इसके पास, पता नहीं क्या खाया था आज सुबह, मम्मी से बेलन वेलन खा ली कि पापा से कुट गई, गुस्से में बैठी है बिल्कुल एकदम। क्यों पियो? नहीं सर मेरे को गुस्सा नहीं आता। अच्छा तो ये गुस्सा नहीं आ रहा, देखो गुस्सा आ रहा कि नहीं आ, बताओ तुम लोग क्यों? सुधीर गुस्सा आ रहा है इसको? मन्ना आ रहा है आवाज? सी नहीं सर मुझे तो आता है बहुत। हाँ सर गाना सुना दो फिर ठंडा हो जाएगा। अब मन्ना कह रहा मुझे तो आता है देखो बहुत, इसका नहीं पता। क्या सर एक गाना काफी दिन हो गए? गाना गाना क्या होता है, व्हाट इज द गाना? जो आप गुनगुनाते हो। गाना का जमाना गया सर, जमाना गया। हम गाना गुनगुनाते तो लोगों को प्रॉब्लम, गाना नहीं गुनगुनाते तो प्रॉब्लम। तुम बताओ मैं करूं तो करूं। फैजल तलवार पहनी हो गई सर? नीट ओरल पूछा जाएगा गाना है? यस सर। नहीं नीट में वो नहीं आएगा, गाना आना नहीं आएगा नीट में, समस्या ही है, पढ़ाई आएगी। नहीं आता कैसे? मुझे लगा आता है। आजकल यादव जी तो हट हट कर रहे हैं, ये क्या बंद, ये बंद बनरिया है, बंद बंदरों को भगा रही है। हमारे यहाँ तो बंदरों को भगाते हैं, हट हट हट, वो काट लेते हैं फिर बंदर। यादव यार खेल लेते हैं आदमी को घेर के, बस फूट देते हैं धर के। यस सर पैनी हो गई तलवार, सर रखिए अपना यहाँ अपने यहाँ, मैं सोच रहा हूँ भेज दो मेरे पास एक बार तलवार। ईद ईद कब आ रही है सर? सुनो ना यादव जी तो तुरंत एक्टिव हुए, यादव जी बिल्कुल भरे पड़े हैं बोलने के लिए कि भाई कब हमें मौका मिले। चलो आज इनको थोड़ा मौका दे देते हैं 2 मिनट, यादव जी को क्या कह रहे हैं बोलिए यादव जी। चार एक दो हफ्ते से बोल नहीं पा रहे ना यादव जी, बिल्कुल शांत है। हाँ नहीं तो मुझे कोई बोलने ही नहीं देता। हाँ बोलो बोलो आज बोल लो तुम मैं क्या है, तुम्हें क्या बोलना है? सर आप क्वेश्चन कराओगे अभी? क्वेश्चन नहीं कराएंगे अभी, थोड़ा मैंने कहा थ्योरी पढ़ा दूंगा, अभी मैं हरी से क्वेश्चन भी पढ़ा दे रहा हूँ। बताइए जल्दी से, और बहुत दिन हो गए सर। गाना गाना तुम सुधीर खुद ही सुना दो, अमरनाथ को गाना आता है, सुधीर को आता है, प्रियंका को आता है, बोलिए। सर मैं तो गाना सुनता ही नहीं हूँ, मेरे को तो जियान वाला आता है। कौन सा जियान? मैं हूँ जियान सर एक बार सुनाइएगा। मैं नहीं सुना, मैं नहीं सुना, मुझे खुद ही याद नहीं है। मैं हूँ जियान में तो बहुत पहले मैंने देखा था, भाई देखता रहता था। सर मैं कहना चाह रही हूँ कि टाइम फिक्स कर दो, अब गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं क्या करूँ? तुम कॉल करते नहीं हो मैनेजमेंट को, मैं ही सब बोलूँ, मतलब मैं ही सब बोलता रहूँ जब देखो तब। जी सर एक तो बोर्ड पर नहीं पढ़ाया जा रहा है,
अरे बोर्ड पे इसलिए नहीं हो पा रहा थोड़ा अभी क्या ना, एक्चुअली एक तो ऐप का एक प्रॉब्लम हो गया बहुत बड़ा, ऐप ग्लिच मार गया, ठीक है पूरा नंबर वन बात। सर अपना वीडियो ऑन करिएगा। दूसरी बात क्या हो गया कि दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि भैया कि यहाँ पे जो बोर्ड वाला सिस्टम था ना, अभी हो जाएगा एक आध दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा, डोंट वरी, अभी फ्री नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ी क्लासेस हो रही है, एक दो दिन में स्टूडियो नहीं सर क्या स्टूडियो खाली नहीं लग रहा है क्या सर, सीबीएसई बोर्ड का वो चल रहा है ना किसका? हाँ वो इसीलिए थोड़ा बस थोड़ा वो बिजी चल रहा है, हम लोग आए बाढ़ में सर। नहीं नहीं तुम लोग क्यों बाढ़ में जाओ, क्यों टेंशन लेते हो, किसने बोला? ये अमरनाथ ना क्या खा लिया था अमरनाथ जस्टिन ने, अमरनाथ तो सही किया, गुस्सा बहुत जल्दी आया था, तो किसने बाढ़ में भेजा अमरनाथ बोलो जी सर? जैसे बोर्ड पर पढ़ाया जाता है तो थोड़ा और अधिक समझ में आता है, फेस टू फेस थोड़ा मतलब उस तरह नहीं, बोर्ड पे ही हो जाएगा तुम्हारा, एक दो दिन की बात है वो होने वाला, बोल रहे थे सभी लोग मैनेजमेंट में, बोल रहे थे एक दो दिन में सारी क्लास बोर्ड पे कर रहे हैं, थोड़ा हो जाता है कभी कभी, इतना बड़ा सिस्टम जब आप भी कोई कंपनी चलाओगे तो हो जाता है, मैंने बात की थी है ना, तो मैंने खुद ही बोला था ये चीज है, क्या क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या क्या तुमसे मान लो जो तुम्हें फैसिलिटी नहीं भी मिलेगी हॉस्टल लाइफ में या कहीं भी, तो कभी कभी ना चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखो, नहीं तो आगे ना तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएगी। यहाँ के लिए नहीं बोल रहा, यहाँ तो जब ठीक है तुमने सोचा कि फीस दे दी है तो ठीक है चल गया, लेकिन आप आगे जाओगे ना तो चीजें यदि बढ़ना है आगे, इन सब से काम नहीं चलता, बात समझ रहे हो ना? यस सर समझ रहा हूँ, लेकिन वो तो आगे नहीं, लेकिन पहले अभी तो अभी नहीं बेटा, एक बात ध्यान रखना इस बात को, आगे आने वाला नहीं, आप अभी नहीं है ना, अभी आपको थोड़ा ही है बस, 4-5 महीने का गैप है, ठीक है। आप किसी भी कॉलेज में जाना दुनिया, किसी भी कॉलेज में आप कभी भी मैं तो पढ़ाऊँ ना, मुझे पता है, मैं तो प्रोफेसर का क्या क्या सुनना पड़ता है ना, तुम नहीं सुनते प्रोफेसर का, रिसर्च स्कॉलर जो पीएचडी करते थे वो भी सुना के चले जाते और तुम कुछ नहीं कर पाते हो, कॉलेज मिल जाएगा तो सर सुन भी लेंगे उतना, अच्छा तब सुन लोगे सर, सर सुनो बोलो प्रियंका, मैं एक मतलब पर्सनली मतलब सजेशन है तुम लोगों का, ठीक है ना, हमेशा उस बेसिस पे लिया करो जो बेस्ट हो, हमेशा हमें उन चीजों को नहीं लेना है, नेगेटिविटी नहीं लेनी है, कभी कभी पॉजिटिविटी भी लो यार, हमें जो पॉजिटिविटी भी लो। अरे चलो ठीक है, अभी मान लो मैं भी नहीं होता तुम्हारे बैच में, मैं नहीं सुनता, मैं तुम्हारी फेवर नहीं करता, फिर क्या करते हैं? तो तुम एक चीज सोचो कि तुम्हें फेवर, तुम्हें करने वाला कोई फेवर तो है तुम्हारे साथ है, तुम बता दो अभी और कोई हो तो रात को तो मुझे 11:30 बजे बड़ी कॉल करता है, कोई कॉल करके उठा के आंसर बताएगा सर, उसको सो रहा था, बोलो एक बात बताओ, पॉजिटिविटी नहीं देखते हो तुम लोग नेगेटिविटी देखते हो, अच्छा ही नहीं देखते, हमेशा नेगेटिविटी, मैं मानता हूँ कुछ कितना बड़ा भी आप गवर्नमेंट कोई भी आ जाए दुनिया का, कितना बड़ा सिस्टम चला रहे हो, गवर्नमेंट चल रही है क्या, आप 100% सही बोल रहे हो गवर्नमेंट को, बोलो बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो, कुछ ना कुछ कमियां होंगी, जबकि वो तो इतना बड़ा, उसके पास तो इतनी ताकत है, फोर्स लगा सकता है, तकनीक सब कुछ लगा सकता है, लेकिन नहीं कर पाया ना वो भी, तो कभी कभी क्या होता है जब हम किसी सिस्टम से जुड़ते हैं, जब आप किसी कंपनी में काम करोगे या किसी हॉस्पिटल में काम करोगे तो आपको हर फैसिलिटी मिल जाए तो नहीं होता ना, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, मान लो कभी मशीन खराब हो गई, कभी ये प्रॉब्लम हो गई, कभी ये प्रॉब्लम हो गई, तुम लोग पुराने बच्चे हो इसलिए तुम लोगों को समझाते कि तुम लोग समझदार हो, मैनेजमेंट मैंने बात की तो सर ने मुझसे बोला कि हमें ये लगता है कि फाइटर के बच्चे समझदार है थोड़ा, इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं, और यदि कोई समझदार नहीं हो तो क्यों करेगा, तुम कहो क्लास 10th के बच्चे के साथ कर दो वो समझदार होगा, समझदारी होगी उसमें बताओ? पता नहीं सर, नहीं होगी ना, उसमें समझदारी नहीं होती, तो एक मैच्योरिटी, तुम लोग मैच्योर हो, मैच्योरिटी लेवल है, लेकिन तुम चीजों को समझना नहीं चाहते, हमें ना तो एक चीज नहीं, तुमने कई बार गलती की है, इसलिए आज मैं समझा रहा हूँ पर्सनली सबके सामने, तुम सबके सर देखिए मैं सही बात सुने सर, मैं सही बोल देता हूँ, आप लोग गलत लग जाता है, जो होता मैं सही भी बोलता हूँ, आपको गलत लगे या कुछ भी लगे ठीक है, क्या क्या बोल रहे हो बेटा मन्ना? मैं जो भी बोलता हूँ सर सही बोलता हूँ, लेकिन आप लोगों की नजर में गलत लगता है, चाहिए मतलब
मैं आपको एक बार बोला था कि सर आप पढ़ा रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं, तभी आप गुस्सा हुए थे, लेकिन घर वाले हमको तो बोलते हैं ना कि कैसे पढ़ा रहे हैं चाहिए क्या कर रहे हैं वाली बात नहीं होती बेटा, ठीक है। एक ना बोलने का ना तरीका होता है, मैं तुम्हें आज प्यार से समझा रहा हूँ, मैं मुझे उसमें कुछ मुझे कोई उसमें तुम ना मुझे दे दोगे ना मुझे किसी से कुछ मतलब है, यदि मैं उस पे आऊँ ना तो सर चीजें समझो। एक क्या होता है ना बेटा, मैं यदि चीजें लेके चल रहा हूँ तो चीजों को समझो, इन चीजों को, एक बोलने का तरीका होता है समझ लो, एक बोलने का तरीका होता है। और अभी यदि मैं मान लो चलो ठीक है तुम 27 बच्चे हो या 30 बच्चे हो या 35 बच्चे हो, यदि मैं तुम्हारे बेसिस पे पढ़ाऊंगा ना मन कोई नहीं पढ़ेगा, समझ लो। तो हमें सबको देखना होता है, एक बच्चा नहीं होता यहाँ पे देखने के लिए, तो इन चीजों को सीखो। मैं तुम्हें डांट अभी भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा नेचर बहुत अलग है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। तो मैं सिंपल तुम्हें समझा रहा हूँ इन चीजों को, तो फोकस कर लोगे, तुम्हारे लिए है, तुम अच्छा मानना नहीं मानना, क्योंकि मैं तुम्हें छोटा भाई की तरह ट्रीट करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तो चीज समझ लो। और नहीं समझोगे तो आगे मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम तुम्हारे लिए आएगी। पेरेंट्स भी जो होते हैं वो भी समझते हैं, यदि आप बात रखते हो तो वो भी आप समझते हैं, ठीक है। अरे यार तो बात को समझो, सीरियस मोड में समझो, मन्ना मेरे लिए कुछ नहीं है इसमें, आगे ना कैरियर को लेके तुम्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम लोग ना पीछे क्या होता है ना, ये एटीट्यूड लोगों का बोलचाल ये लोगों को पीछे कर देता है। आप अपनी बात भी कह लो, बुरा भी ना लगे सामने वाले को, तब आप टैलेंटेड हो, तब आप अपनी बात बोल रहे हो। मान लो डॉक्टर हो और मान लो कोई मेडिसिन नहीं है हॉस्पिटल में, तुम तो हाइपर हो जाओगे। मान लो कोई इंजेक्शन नहीं है, वो मर रहा है सामने और नहीं है, तो तुम हाइपर हो जाओगे। बोलो अमरनाथ, यस सर, होना तो पड़ेगा, नहीं तो मरीज तो मर जाएगा। क्यों हाइपर क्यों हो जाओगे, जब तुम्हारे हॉस्पिटल में वो अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो तुम उसको रिफर करोगे ना, जब उस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो तुम कैसे कर सकते हो, हर जगह हर चीज मिल जाए इट इज नॉट पॉसिबल ना। हम लोग जब रिसर्च करते थे तो ऐसा नहीं है कि रिसर्च में जैसे मान लो हमने कुछ किया, हमने कोई उसका मुझे स्पेक्ट्रोमीटर निकालना, मुझे मान लो उसका क्रिस्टलोग्राफी निकालनी है, तो हम मान लो हमने एक बार आईआईटी में भेजा, आईआईटी मद्रास में मैंने अपना वो भेजा, हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं था वो स्पेक्ट्रोमीटर, वो सिर्फ मुझे आईआईटी मद्रास ही भेजना था, तो मैं एक अपनी यूनिवर्सिटी को गाली थोड़ी ना देने लगूंगा, यार यूनिवर्सिटी खराब है, ये मशीन, एक मशीन पता है अरबों रुपए की आती है, हर किसी की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती है। तो आई होप आप मेरी बात समझो, सभी लोग समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप बात करने का तरीका सीखो, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सीखो उस चीज को। अभी से डालोगे बातों में तो अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो इट्स योर चॉइस, आपकी है दुनियादारी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यस सर, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम सही मानते हो या गलत मानते हो, योर चॉइस। चलो क्या हो गया, हाँ बोलो बेटा। देखो सुबह हो गई, सुबह तो हो गई, मैं तो बस एक बात बोल रहा हूँ तो बस समझो, एक मिनट को पीछे को छोड़ रहा है, क्या दस मिनट हो गया क्लास चल रही है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बात करूँ सिंपल, ए से प्रोडक्ट बन रहा है मान लो, अरे एक हमारे सर है राहुल सर, तो डेढ़ दो साल हो गए हमारे साथ ही काम कर रहे थे, जो आपने देखे ना फोटो वोटो लगे हुए देखते हो तुम हमेशा, ठीक है, तो वो ग्राफिक्स का काम करता है, तो काफी अच्छे बंदे हैं, मेहनत किए हैं, तो उसको आज वो कहीं उनका वर्किंग हो गया है, तो उनको आज बधाई दे रहे हैं, बधाई समारोह है। तो रेट क्या लिखोगे आप, के ए की पावर एन, के क्या होगा यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट, तो आपको बता दूं के क्या लिखते हो आप यहाँ पे, ए की पावर, दो मिनट हो जाओ बस, दो मिनट हो जाओ,
के ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पे ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, राहुल जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इसीलिए उनके फेयरवेल के लिए हमने यहाँ पर केक मंगवाया हुआ है, और जाने का रीजन है इनका अपना पर्सनल, ये अपना पर्सनल कुछ करना चाहते हैं
हाँ आ गया, आ गया मैं, सॉरी फॉर दैट। आपने अपलोड किया था? चलिए ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो गया। आ गए सभी लोग? हेलो तो फोन करने लगी मुझे। अरे सर आप आ गए, छुट्टी कर देते? बस कर रहा हूँ छुट्टी, बस दो मिनट हो, बस इसको मैं ड्राइव कर दूँ। ये एक क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा पढ़ा दूंगा। तुम राहुल सर एक्चुअली क्या जल्दी थोड़ा चल रहा हूँ। टेम्परेचर आप गुस्सा मत करना, मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाओगे, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बोलो डिक्रीज। इंक्रीज करेगा, ध्यान रखना टेम्परेचर के साथ। और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अच्छा यदि मान लो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या करती है? डिक्रीज करती है। और एक्टिवेशन एनर्जी घटाओगे तो रेट कांस्टेंट क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो याद रखना ए मतलब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ए मैंने फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला, मतलब सिंपल यहाँ पे ए को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, ये है टिम्पल, सिंपल आपके टोटल नंबर ऑफ कोलाइजन। चलिए तो यहाँ तक तो बात तो मैं समझ में आ गई। सर सर बोलो बेटा। एक डाउट था अभी या नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में, अभी मैं इसको और आगे पढ़ाऊंगा। मैं बस थोड़ी सी बस आपको बस फॉर्मूला तक बता दूं। सर इसको टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज पे ये रेट कौन सा? मैं अभी अच्छे से कराऊंगा। टी वन पे मान लो के वन है, टी टू टेम्परेचर पे मान लो के टू है रेट कांस्टेंट। तो आपका जो इक्वेशन आता है फाइनल, तो वो क्या आता है? लॉग ऑफ के टू अपॉन के वन, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और यहाँ पे हो जाता है 1/T2 माइनस 1/T1। सर T2 माइनस T1 होता है या T1 माइनस T2? T2 माइनस T1, ठीक है। और सर जो ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही बोलते हैं क्या? क्लियर है यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोल रहे हो तुम यहाँ पे, फिर से बोलना एक बार। कुछ नहीं सर, रहने दो। लो रे चलो, ऐसे ग्राफ कीजिए तो कैसे, ग्राफ कैसा कीजिएगा? y इक्वल टू mx प्लस, देखो यदि आप ea माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो क्या आएगा? 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करना, यहाँ पे यदि हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हम जब खींचते हैं टेन और 1/T में, तो ये ग्राफ आता है, log a2 की बेस बेस 10 में है आपका सिंपल, ठीक है। इसका स्लोप कितना होगा? माइनस ई ए अपॉन 2.303 माइनस ई ए अपॉन 2.303। अभी ये लिख लो तुम सिंपल। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉलिक्यूलर टी के बारे में पढ़ाऊंगा, स्यूडो मॉलिक्यूलर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल स्यूडो हो गया, ये हो गया, ठीक है। और क्या है, चमन्ना चला गया? चलिए सर। हाँ बोलो बेटा। सर लास्ट स्लाइड में बस एक छोटी सी चीज बता दो, नहीं तो मैं सोचता रहूंगा सर ये कुछ कैसे हुआ। सर देखो लास्ट स्लाइड करो। सर देखो अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो जो ये ईए बाय आरटी है, बेटा जो रेट कांस्टेंट, देखो आप सिंपल किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है? रेट कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है टेम्परेचर। हाँ लेकिन सर नेगेटिव साइन भी तो है, अगर नेगेटिव मतलब जितना कम में नेगेटिव साइन आएगा उतनी वैल्यू बढ़ेगी और जितना ज्यादा नेगेटिव। नहीं नहीं आप तो इस सिंपल देखोगे, आप जब लॉग भी ले लोगे ना यहाँ पे लॉग निकाल के भी आप देखोगे क्या आएगा। यदि आप देखोगे तो जो टेम्परेचर के क्या आ रहा है देखो यहाँ पे रेट कांस्टेंट सिंपल बोलो, यदि आप लॉग ले लोगे तो क्या आएगा? लॉग ई आपका सिंपल ये क्या आएगा, लॉग लो दोनों साइड, लॉग के इक्वल टू क्या आएगा? लॉग ए प्लस ई की पावर ए, मतलब क्या ई अपॉन आर टी बचेगा, क्या बचेगा? माइनस ई अपॉन आर टी,
के अभी भी किसके नंबर की पोस्ट में ला रहा है बोलो, टेम्परेचर में। ठीक है, नहीं सर समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं सर, देखो ना यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो रेट कांस्टेंट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है बोलो, टेम्परेचर क्या आ रहा है ना, तो टेम्परेचर बढ़ा वो तो रेट कांस्टेंट क्या होगा? नहीं सर वो तो ठीक है, ठीक है ठीक है, इन्वर्सली नहीं सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सही बोल रहे हो तुम। ओके अच्छा, तुम किससे बोल रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी से बोल रहे हो? हाँ मतलब जो नेगेटिव साइन है उसके जैसे रिवर्स हो जाएगा ना। नहीं नहीं नेगेटिव, नहीं नहीं नेगेटिव साइन का कुछ मतलब नहीं होता बेटा, यहाँ पे आप यदि माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या है 1/T1 - 1/T2 हो जाएगा। अब आप ईए यहाँ ले आओ तो ईए और टेम्परेचर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा, आप T2 यहाँ ले जाओ या फिर तो आप यहाँ सिंपल आप देख सकते हो यहाँ पे रेट कांस्टेंट के क्या आएगा, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। आप देख लो आप यहाँ पे जब आप निकालोगे लॉग के और जब आप इसमें एक्टिवेशन एनर्जी में देखोगे तो आपको देखेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा ये। ठीक है ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मैं आप अगली क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और अपन इस चैप्टर को भी बस खत्म करेंगे, दो लेक्चर में खत्म हो जाए, दो या ढाई लेक्चर, इसको भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है फिर, ठीक है ओके सर, बाय सर, बाय सर, टाटा टाटा, बाय सर। साक्षी हाँ तुम्हें समझ आ गया क्या?